नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व सलेमपुर से पूर्व सांसद रामाशंकर विद्यार्थी जी। विद्यार्थी जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सर, चैनल को बधाई। सर आप बीएसपी छोड़ एसपी में ही क्यों चले गए, भाजपा में क्यों नहीं गए? कांग्रेस में भी जा सकते थे, राष्ट्रीय पार्टी है। देखिए, इस देश को क्षमता मूलक समाज बनाने की ओर बाबा साहब का ध्यान था और उसके बाद से समाजवादियों का काम क्षमता मूलक समाज बनाने का, इसलिए समाजवादियों के साथ रहना मैंने उचित समझा कि समाजवादियों का भी बहुत योगदान है देश में, इसलिए हम समाजवादी पार्टी के साथ गए। आप एक बयान दिए थे कि समाजवादी पार्टी में ही राजभर समाज का भलाई है, लेकिन वो तो एक भी टिकट नहीं मिला अब तक 2004 से, और 24 आने वाला है, लेकिन समाजवादी ने एक भी राजभरों को टिकट नहीं दिया। ऐसा नहीं, इस बार हम लोग क्योंकि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और इस बार तय हो चुका था कि 5 राजभर समाजवादी पार्टी से लड़ाए जाएं, लेकिन एक गठबंधन हुआ जिसे आप भी जानते होंगे और उस गठबंधन के नाते हम समाजवादी पार्टी के सिंबल पर केवल 2 टिकट दे पाए। पहला टिकट तो स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी के बेटे कमलाकांत राजभर को और दूसरा समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री माननीय रामचंद्र राजभर को अकबरपुर से। तो 2 लोग समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े और समझौते में ओम प्रकाश राजभर जी अपने और अपने बेटे को ले लिए। परिणामतः हम कई राजभरों को, जैसे कालीचरण राजभर, छोटेलाल राजभर जैसे राजभरों को हम चुनाव नहीं लड़ा पाए, जिसका मुझे कष्ट है और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा। आप अभी नाम लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री रामचंद्र राजभर जी का और चाहे कमलाकांत राजभर जी का, तो विरासत में चुनाव लड़े हैं, ये तो कहन भी जाता तो टिकट मिलता इनके तो तय था, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि 2004 से लेकर 2024 आने वाला है, ना लोकसभा ना विधानसभा, किसी भी राजभर को वर्कर भी ने टिकट नहीं दिया। ये ठीक बात आप कह रहे हैं, ये इस बात से मैं सहमत हूँ कि उनकी पर्सनालिटी थी और वो लड़ते, किसी भी दल में जाते तो टिकट पाते, लेकिन हमारा हिस्सा खत्म हो गया, उसी समय खत्म हो गया जब एक पार्टी से गठबंधन हुआ जिसको आप जानते हैं, और उस पार्टी के गठबंधन में टोटली राजभर समाज का नुकसान हो गया और राजभर समाज का वर्कर नहीं लड़ पाया। आप कह रहे हैं कि नुकसान हो गया, तो अभी गठबंधन टूटने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी पार्टी को समाजवादी पार्टी तोड़ रही है, इस पर आपकी राय क्या है? अब देखिए, अब उस पर उस बस में न ले जाइए, जो जैसा करता है उसके आगे आता। भ्रम यह था कि समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी हाथों हाथ उठा लेगी, और मैं समझता हूं कि पटना की रैली इसीलिए निर्धारित की गई कि भारतीय जनता पार्टी पूरा सहयोग करेगी, लेकिन जिस आदमी के बयानों में, जिस आदमी के कर्मों में, जिस आदमी के कार्यों में एक रूपता न हो और अविश्वसनीय आदमी हो जाए, कभी भाजपा में रहे कभी समाजवादी पार्टी में रहे, तो इस अविश्वसनीयता के नाते कोई भी पार्टी आपको नहीं पूछेगी। और सारी पीड़ा यही है कि इस समय प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं उस पार्टी का कि कोई पार्टी हमको उठा ले, लेकिन मैं समझता हूं कि सभी लोग समझ चुके हैं और इसलिए नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप केवल उसी पार्टी की बात नहीं करता, जितने जात के नाम पर दल बने हैं वो सभी केवल परिवार तक सीमित हो जा रहे हैं। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब अवसर आया तो चाहे संजय निषाद जी को देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल जी को देख लीजिए, इनको देख लीजिए, तो ये लोग अपने परिवार में सीमित हो जाते हैं और बाकी चीजों का सौदा होने लगता है, तो अब इनके समाज भी इनका साथ छोड़ रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी धरना प्रदर्शन वो भी राजभर कर रहे हैं वो गठबंधन के लिए, कि कोई पार्टी फिर से हमें आमंत्रित करे? नहीं, कहीं जगह मिल जाए, वो केवल जगह मिल जाए इसके लिए, केवल कहीं कोई पार्टी पूछ ले इसलिए अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता। जी जी बोलिए। हमें नहीं लगता कि, देखिए, राजनीति में अब विश्वास बहुत जरूरी है कि आप जो कह रहे हैं उस पर जनता विश्वास करे,
और मैं समझता हूं कि अब राजभर समाज भी ये सोचने लगा है कि अब इनकी बातों पर विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि बातों में बड़ा अंतर है। और वही हाल हुई कि न घर के न घाट के। अभी आप बोल रहे हैं घर के न घाट के, तो अभी क्या नाम है समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, अभी अपने पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं मैनपुरी से, ये परिवार नहीं, परिवारवाद नहीं कहा जाएगा इसको? आप कैसे परिवारवाद कर, भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का परिवार तो किसी को नहीं दिखता। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को नाम बताइए जिसका, जिसके परिवार के बेटे बहू पत्नी चुनाव न लड़। ये परिवारवाद केवल समाजवादियों के लिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने आपके श्रोताओं को कि आप ये बता दीजिए कि इस देश में परिवार वालों की संख्या ज्यादा है कि बिना परिवार वालों की? अब जब बिना परिवार वालों को देश और प्रदेश आपने देख लिया है, तो उसका परिणाम तो देख ही रहे हैं कि परिवार वाले किस तरह से महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, गरीबों की योजनाओं से, और गरीबों को राशन बांट करके उनका काम छीन लिया। ये बिना परिवार वाले अगर परिवार का दुख जानते तो आज ये बता दीजिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस तो बड़ी है, या शिक्षा के क्षेत्र में जितनी फीस पड़ी है, ये परिवार वाला कोई होता तो बढ़ाता? तो ये भारतीय जनता पार्टी का कोई सगुफा नहीं है, क्योंकि वो घबरा गए हैं कि हम मैनपुरी हारेंगे, इसलिए उनके पास और कोई आरोप तो नहीं है, परिवारवाद का आरोप है। अरे वो अपने काम बताए ना, वो उनको अपना काम बताना चाहिए। वो काम तो लेके जाते नहीं, कभी मंदिर लेके जाते, कभी मस्जिद लेके जाते, कभी दिया जला के जाते, कभी उज्जैन में भस्म आरती करा के जाते। यही यही सरकार का काम है। सरकार का ये काम है कि ये जनता का काम है, और ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में किसी एक धर्म के प्रचारक को संवैधानिक बड़े पद पर बैठ करके एक धर्म का प्रचार नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या यही सबका साथ सबका विकास है कि एक धर्म का प्रचार हो और बाकी धर्मों को गौण कर दिया जाए, बाकी धर्मों को बिल्कुल मानने वालों को प्रताड़ित किया जाए? अभी आप, कैसा अभी... कैसा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है जिस धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में आप 24 घंटा आप जागरण कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट की अजान नहीं हो सकती? यही धर्म निरपेक्षता है, यही सबका सबका साथ सबका विकास है। जो लखनऊ में मीटिंग हुई थी आपका समाजवादी पार्टी का सम्मेलन हुआ, उसमें नरेश उत्तम जी को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, जब उनको ही बनाना था तो इतना ढोल नगाड़ा पीटने की जरूरत की थी? अपना लिखित प्रमाण दे देते, पैड पर लिख देते अगले से, तो भी यही रहेंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्रांतीय अधिवेशन और राष्ट्रीय अधिवेशन न हो? नहीं, हमें नहीं कह रहा हूँ, प्रांतीय अधिवेशन और राष्ट्रीय अधिवेशन वो चुनावी प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन में जाना पड़ता है। अब नेता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिस पर विश्वास होता है वो पदभार देते हैं। तो बीजेपी वाले तो यही कहते हैं कि जिंदगी भर अखिलेश यादव ही रहेंगे, समाजवादी का अध्यक्ष कोई होने वाला नहीं, यही तो है परिवार भाव। बीजेपी वाले बताएं कि आडवाणी जी को राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाए? बीजेपी वाले यह बताएं कि वो ताज जिंदगी आज जो दलित है, जो बैकवर्ड है, जो माइनॉरिटी है, उन लोगों को इन्होंने क्या हिस्सा दिया? कोई हिस्सा ये बता दें, बैकवर्ड का हिस्सा खा रहे हैं। आप ये बताइए कि राजभर समाज के लोग, हम खुद साक्षी हैं, जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था उस समय से ही राजभर आरक्षण की बात चल रही है, और 35 बरस हो गया छठवीं विधानसभा उत्तर प्रदेश में माननीय दूधनाथ राजभर की MLA थे, छठवीं विधानसभा का प्रस्ताव गया कि आरक्षण मिले। तो आप एक तरफ तो 24 घंटे में आरक्षण दे देते हो, और राजभर सहित 17 जातियों का प्रतिवेदन बार बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भेजा गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेजा, समाजवादी पार्टी की सरकार में 2-2 बार गया, वो आरक्षण नहीं दे सकते। तो आखिर ये दलित और पिछड़े केवल राशन पर जिंदा रहेंगे? राशन से बेटी की शादी हो पाएगी? राशन से घर बन पाएंगे? राशन से आदमी के बीमारी की दवा हो जाएगी? अरे आप ये देखिए कि राशन दे करके काम छीनने की योजना दलित और पिछड़ों की है,
और मैं सबूत के तौर पर कहना चाहता हूँ, आप महंगाई इतनी बढ़ गई कि जब मालिक घर नहीं बनाएगा तो गर्रा देने वाले का काम खत्म, जोड़ाई वाले का काम खत्म, प्लम्बर का काम करने वाले का काम खत्म, और फाटक लगाने वाले का काम खत्म, पलस्तरा वाले का काम खत्म, चुनाई और पुताई करने वाले का काम खत्म। तो जब सबका काम ही खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे जिएंगे? इसलिए इनकी मंशा है अपने लोगों को, जिनके बल पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, जो माउथ मीडिया इनको हर गांव में फ्री में मिल गई है, वह माउथ मीडिया इनकी हवा बनाती है। ये सरकार न दलितों की है, न पिछड़ों की है, न अल्पसंख्यकों की है, न सवर्णों की है, क्योंकि फीस जो बढ़ी है उस फीस को, चाहे MBBS की फीस देख लीजिए, 20 लाख से बढ़कर के 80 लाख हो गई। आप ये देख लीजिए ITI कॉलेज निजीकरण क्षेत्र में देने जा रहे हैं, या देख लीजिए प्राथमिक शिक्षा जो गरीब बच्चों की शिक्षा थी उसको भी ये निजी क्षेत्रों में देने जा रहे हैं। आप यह देख लीजिए कि ये केवल एक उसे सवर्ण भी दुखी है, तो ये केवल चंद उद्योगपतियों के हितैषी हैं, चंद उद्योगपति इनको मीडिया प्रोवाइड कराता है, और यह उसके उसकी योजनाओं को धरातल पर उतार करके और पूरा पूरे देश का, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप पता कर लीजिएगा कि जितने बड़े ठेके हैं सब गुजराती ठेकेदारों को मिला हुआ है, गुजरात के लोगों को मिला हुआ है, और वो उत्तर प्रदेश के लोग अब पक्केनिया ठेकेदार बन के काम कर रहे हैं। अभी आप बोल रहे थे आरक्षण के बाद, ओम प्रकाश राजभर जी जब CM योगी जी से मिले थे तो उन्होंने बोला कि मैं लिखित प्रमाण भेजवा दिया हूँ, जल्दी राजभरों को ST का आरक्षण मिल जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के पिछले बयान को आप दर्ज करेंगे तो वो कभी भी चाहे ST का आरक्षण हो चाहे ST का आरक्षण हो नहीं माने, हमेशा वो आर्थिक आधार पर आरक्षण माने। जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया हो, मान लीजिए कि EWS को आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया गया, OBC का 27% आरक्षण है तो उसका भी तो OBC में जो गरीब है उनको भी EWS का आरक्षण दे दो, गरीबी का आरक्षण दे दो गरीबी के आधार पर। तो ओम प्रकाश जी आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगते रहे हैं। जब इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की रैली, आपको याद होगा माननीय अमित शाह जी आए थे और अनिल राजभर जी आए थे, वहां पर यह कह के बुलाया गया कि राजभरों का आरक्षण मिल जाए। पिछली सरकार में तो जब पिछली सरकार बनी नहीं हुआ, जब ये लोग सत्ता में थे, भारतीय जनता पार्टी में था, तब ये लोग दबाव बनाए होते तो संपूर्ण प्रक्रिया की जांच करके राजभरों को अनुसूचित जाति के आरक्षण की पत्रावली दिल्ली में RI के पास पड़ा था, DR के पास, रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ने उस पर असहमति लिख दिया। ये लोग दोनों लोग सब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे। अब आप ये बताइए, आप हमारे कुछ साथी ST के आरक्षण की बात करते हैं, उनका मेन आधार ये है कि चलो अब तो ST के आरक्षण की बात चल रही है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, कुछ तो मिले, लेकिन मिलना कुछ नहीं है। जिनको देना है उनको 24 घंटे में दे देते हैं, जिनको नहीं देना है उनकी ये जांच वो जांच वो स्नोग्राफी अध्ययन, तो ये विधानसभा का प्रस्ताव, तो ये सर्वे वो सर्वे कराते रह के लोगों को वोट लेना है, उलझाना है, और पूरे भारतवर्ष में काफी समयों तक राज करने वाली राजभर जात आज गरीबी से भूखमरी से तबाह है और इस पर सरकारें ध्यान नहीं दे रही। आपका कहने का मतलब है कि जो भी सत्ता में रहता है आरक्षण भूल जाता है? सबको आप नहीं कह सकते हैं, सब लोगों ने अपना कोरम पूरा किया। आखिर में क्या कहना चाहेंगे राजभर समाज को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सपोर्टरों को क्या कहेंगे आखिर में? देखिए, सबसे बड़ा जो अभी हमारा जो सर्वे 2003 में हम लोग जब बब्बन राजभर जी सांसद थे तो सर्वे हुआ, उस सर्वे में 67% ही शिक्षा, 67% अनपढ़ पुरुष समाज और 81% अनपढ़ महिला समाज राजभरों की। तो हम अपने राजभर समाज से यह अपील करते हैं कि कोई तुम्हारा रास्ता नहीं है, शिक्षा का रास्ता अपना लो, उन सीखने का रास्ता अपना लो, और जब जागरूक हो जाओगे, होशियार बन जाओगे, तो तुम अपने हक की लड़ाई लड़ लेगो, चाहे वो ST का आरक्षण हो, चाहे ST का आरक्षण हो, और चाहे सत्ता में पहुंचने का आरक्षण है। हमारा समाज राजा रहा इसका आभास तो है,
लेकिन गरीब है इसका आभास नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि गरीबी का आभास जिन जातियों ने कर लिया उन्होंने उसका रास्ता खोज लिया। हमारी बिरादरी को गरीबी का आभास नहीं है, इसलिए वो इसका रास्ता नहीं खोज पा रही। आप देखे होंगे इसी गरीबी से निकल के राजभर समाज के लोग, निषाद समाज के लोग, चौहान समाज के लोग, प्रजापत समाज के लोग, लोहार समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग भी गरीब रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा चमार समाज के लोग भी बहुत गरीब रहे हैं, लेकिन उन्होंने गरीबी का आभास किया, शिक्षा का रास्ता अपनाया, व्यवसाय का रास्ता अपनाया और उसके बाद से वो क्या कहते हैं कि सत्ता में पहुंचे और गुण सीखने का रास्ता अपनाया। हमारे लड़के 25 बरस 30 बरस के हो जाते हैं, ये कहता है अदना प्लम्बर का काम सीख लें उनका दरिद्र भागेगा, वो बिजली का काम सीख लें, वो ड्राइवरी का काम सीख लें, वो व्यवसाय में सब्जी बेचना शुरू करने लाज लगेगा। गरीबी को दूध बेच के भगाया है कई जातियों ने इसी देश में, कई जातियों ने केवल दूध बेचकर गांव-गांव में साइकिल पर दोनों तरफ दूध ला करके अपनी गरीबी भगाया है, उसको गरीबी का आभास हुआ। लेकिन हम राजा खानदान के हैं इसलिए हम सब्जी बेच नहीं सकते, हम राजा खानदान के हैं इसलिए हम कोई गुण सीख नहीं सकते। तो ये दुश्वारी है। मैं अपने समाज से अपील करूंगा कि अपने बच्चों को अगर पैदा कर सकते हो तो बेटी और बेटियों को पढ़ाओ, न पढ़ाने से बात नहीं बनती है। अब देखे दो दो तीन तीन लड़के पीसीएस हो गए, अभी दो लड़के पीसीएस हो गए तो शिक्षा से बात बनी, कई लड़के अधिकारी हुए तो शिक्षा से बात बनी, जज बने तो शिक्षा से बात बनी ना, वो भी बहुत गरीबी में थे। तो इसलिए ये एजुकेशन ही एकमात्र हमारा रास्ता है, हुनर एकमात्र हमारा रास्ता है और उनके विकास का रास्ता कुछ नहीं। मान लीजिए अगर आरक्षण मिल भी जाए तो मैं तो ये भाषण नहीं कर सकता कि दो ही है राजभर को दरोगा बना सकता। मैं तो ये कहूंगा कि दरोगा बनने के लिए 4 बजे भोर में उठना पड़ेगा, 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा पानी पी करके, 36 इंच का सीना बनाना पड़ेगा, लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, कंपटीशन करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि हम गरीबी का आभास कर लेंगे तो हम उससे संघर्ष करेंगे, और आज जो 20% हमारे समाज की प्रगति हुई है उसके पीछे केवल और केवल शिक्षा है और हुनर है, और बाकी 80% समाज राजा का आभास तो है। जब वो राजा का आभास तो हुए है उसको है, लेकिन वो उसको गरीबी का आभास नहीं है, इसलिए उस पर वो संघर्ष नहीं कर। ठीक है, आप राज तक न्यूज चैनल में समय दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।